स्टार्ट करें, स्क्रीन शेयर करवा दें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन। इससे पहले जो हमने टॉपिक कंक्लूड किया, दैट वाज पार्टनरशिप रेजोल्यूशन, देन परचेज ऑफ बिजनेस एंड मर्जर ऑफ सोल ट्रेडर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एन इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ के जो आपको असाइनमेंट दी गई थी, काफ़ी सारे बच्चों ने सबमिट करवाई है, बट स्टिल देर आर सम स्टूडेंट्स जिनकी वो असाइनमेंट सबमिट होने वाली है। तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, जो जिन बच्चों ने व्हाट्सएप पे असाइनमेंट सबमिट करवाई है, आई सजेस्ट कि वो मेल आईडी पे अपनी असाइनमेंट भेजें। व्हाट्सएप पे जो है वो मुश्किल हो जाता है ट्रेस करना, सो मेक श्योर कि जिन बच्चों ने व्हाट्सएप पे अपनी असाइनमेंट भेजी है वो मेल आईडी पे ज़रूर फॉरवर्ड करें, और उसका जो सब्जेक्ट है वो लिखें पार्टनरशिप रेजोल्यूशन असाइनमेंट, या असाइनमेंट नंबर वन आगे टॉपिक लिख दें पार्टनरशिप रेजोल्यूशन। तो उससे ये होता है कि इनबॉक्स में काफ़ी ज़्यादा डेटा होता है, उसमें से ट्रेस आउट करना आसान हो जाता है। तो जब हम सर्च में लिखते हैं असाइनमेंट पार्टनरशिप रेजोल्यूशन, तो वो जितने भी स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स होंगी वो सारी लिस्ट सामने आ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेल आईडी पे एक तो फॉरवर्ड करें, और दूसरा उसका सब्जेक्ट लिखें असाइनमेंट पार्टनरशिप रेजोल्यूशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है जी कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसकी बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी, सो हेयर आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद स्टॉक एक्सचेंज एंड दीज कंपनीज कैन नॉट ऑफर शेयर्स टू जनरल पब्लिक, यहाँ पे इनकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। देन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, वो कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हों और जनरल पब्लिक में से उसके शेयर होल्डर्स बन सकें, या दैट कंपनी कैन ऑफर शेयर्स टू जनरल पब्लिक। उसकी आगे एग्जांपल्स गिवन हैं कि then types of shares, as we know well कि कंपनी अपने इन्वेस्टर से जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करवानी होती है या कैपिटल कलेक्ट करना होता है, कंपनी डू इशू शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स, टू द इन्वेस्टर्स। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कैन वोट एट AGM, means they can participate in company decision making, और इनको ordinary dividend दिया जाता है, which is a variable amount, variable rate, it depends on company's annual profits. Then preference shareholders, they cannot vote at AGM, means they cannot participate in company decision making, in company management, and company pays them preference dividend, a fixed rate,
टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की टाइप्स हैं जैसे एक्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन एक्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। एक्युमुलेटिव क्या है? इन केस कंपनी कैन नॉट पे प्रेफरेंस डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ड्यू टू लो प्रॉफिट्स और एनी अदर रीजन, तो दैट ईयर्स डिविडेंड विल बी पेड नेक्स्ट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड। और नॉन एक्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं कि इन केस कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ड्यू टू सम रीजंस ड्यू टू लो प्रॉफिट्स, इट विल नॉट बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। इन द नेक्स्ट ईयर डिविडेंड विल बी पेड। देन मजीद टाइप्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स की, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं कि ये शेयर्स कुछ ईयर्स के बाद रिडीम करवा लिए जाएंगे। ये रिडम्पशन को समझें, रिडीम करवाना या रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, दिस इज अपोजिट टू इशू ऑफ शेयर्स। कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है एट दैट मोमेंट कंपनी इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करती है, तो एंट्री क्या होती है जी? बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो रिडम्पशन उसका अपोजिट है कि एक टाइम के बाद कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट वापस कर देती है, पैसे वापस कर देती है और उनसे शेयर्स वापस ले लेती है। तो कंपनी का शेयर्स वापस ले लेना, दिस इज रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। तो देर आर प्रेफरेंस शेयर्स, सच प्रेफरेंस शेयर्स जो कुछ सालों के बाद रिडीम करवा लिए जाते हैं। अब ये रिडीम जो करवा लिए जाते हैं ये ऐसे ही है कि जैसे आज कंपनी ने बैंक से लोन लिया एंड आफ्टर 5 ईयर्स जब कंपनी लोन वापस कर देगी तो वो लोन ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। तो यही वजह है कि जो रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कंपनी इनके ऊपर जो डिविडेंड पे करती है उसकी ट्रीटमेंट भी एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह। और ये जो प्रेफरेंस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं इटसेल्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज ए नॉन करंट लायबिलिटी शो हो रहे होते हैं, क्योंकि इसकी नेचर बिल्कुल बैंक लोन की तरह कि आफ्टर फ्यू ईयर्स जो लोन हमने रीपे कर देना होता है टू द बैंक। देन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एक दफ़ा कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए तो ये रिडीम नहीं होने, और इनके ऊपर जो डिविडेंड कंपनी देती है उसकी ट्रीटमेंट एज ए डिविडेंड पेमेंट ही है, एंड डिविडेंड पेमेंट इज ट्रीटेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नॉट इन इनकम स्टेटमेंट। एंड देन जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं इट्सेल्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इनकी जो ट्रीटमेंट है वो एज ए पार्ट ऑफ इक्विटी है, एज ए पार्ट ऑफ इक्विटी। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी कभी भी रिडीम नहीं करवाती। तो अगर किसी शेयर होल्डर, किसी इन्वेस्टर को वो शेयर्स नहीं चाहिए तो कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी ने तो शेयर्स वापस नहीं लेने हैं, तो वो इन्वेस्टर क्या कर सकता है कि वो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में सेल आउट कर दे। स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेटफॉर्म वेयर एनी इन्वेस्टर कैन सेल द शेयर्स एंड एनी बायर कैन बाय द शेयर्स, तो वहां पे वो इन्वेस्टर शेयर्स सेल आउट कर सकते हैं। देन रिजर्व्स की टाइप्स हैं, कंपनी के जो रिजर्व्स होते हैं, तो रिजर्व्स मींस द एक्स्ट्रा अमाउंट हेल्ड विद द कंपनी। तो हियर आर कैपिटल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स एंड रेवेन्यू रिजर्व्स। तो कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं? दीज रिजर्व्स कैन नॉट बी यूज्ड टू पे डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स, फॉर एग्जांपल शेयर प्रीमियम एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। एंड रेवेन्यू रिजर्व्स हैं, दीज कैन बी यूज्ड टू पे द डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स, फॉर एग्जांपल रिटेन्ड प्रॉफिट्स आर रिटेन्ड अर्निंग्स एंड जनरल रिजर्व्स। थोड़ी देर में हम ये सब के सब जो रिजर्व टाइप्स हैं इनकी डेफिनेशंस भी देखेंगे। हियर आर इशू ऑफ शेयर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इशू एट पार वैल्यू आर फेस वैल्यू। पार वैल्यू आर फेस वैल्यू मीन्स द वैल्यू विच इज रिटन ऑन द फेस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। दैट value is decided by the company management at very start of the company,
तो अगर कोई कंपनी उस फेस वैल्यू या उस पार वैल्यू पे ही शेयर्स इशू करे तो इट मीन्स के जितनी भी अमाउंट कंपनी को कलेक्ट होगी दैट विल बी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. उसके बाद है जी इशू एट प्रीमियम. व्हेन वी से प्रीमियम इट मीन्स व्हेन शेयर्स आर इशूड एट मोर देन पार वैल्यू या मोर देन फेस वैल्यू. तो इसकी अमाउंट जब कंपनी को कलेक्ट होगी तो जितनी भी अमाउंट कलेक्ट होगी उसने बैंक अकाउंट में डेबिट होना और पार वैल्यू के हिसाब से जितनी अमाउंट बनेगी दैट इज क्रेडिटेड इन शेयर कैपिटल अकाउंट और पार वैल्यू से अबव जितनी भी अमाउंट होगी वो चली जाएगी शेयर प्रीमियम अकाउंट में. सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट. देन बोनस इशूज. बोनस इशूज की डेफिनेशन हमें याद रखनी है कि दीज आर न्यू इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विदाउट टेकिंग कैश फ्रॉम देम. कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको हमने फर्दर शेयर्स इशू करने हैं लेकिन उनसे हमने पैसे नहीं लेने हैं. तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम उनसे अमाउंट लिए बगैर शेयर्स इशू कर दें. तो उसका आंसर जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में है कि रिजर्व्स अमाउंट्स आर यूज फॉर दिस इशू ऑफ शेयर्स. कि कंपनी के पास जो रिजर्व्स पड़े होते हैं और जो रिजर्व्स हैं वो बेसिकली शेयर होल्डर्स का पैसा होता है. तो दोज रिजर्व्स विल बी यूज फॉर बोनस इशूज फॉर दीज इशू ऑफ शेयर्स. और ये जो बोनस इशूज हैं दे आर ऑलवेज इशूड एट पार वैल्यू. दे कैन नॉट बी इशूड एट प्रीमियम. तो एंट्री समझें कि शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो गया और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया. शेयर प्रीमियम को डेबिट करने का मतलब ये है कि शेयर प्रीमियम की अमाउंट यूज हो रही है फॉर दीज इशू ऑफ शेयर्स फॉर दीज बोनस इशूज. तो शेयर प्रीमियम को डेबिट करेंगे तो एक रिजर्व डिक्रीज हो गया मतलब एलिमिनेट हो गया और वो ट्रांसफर हो गया टू दी शेयर कैपिटल अकाउंट. उसके बाद है जी राइट्स इशूज. राइट्स इशूज क्या हैं. न्यू इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बाय टेकिंग कैश फ्रॉम देम. कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनसे पैसे लेके हमने उनको फर्दर शेयर्स इशू करने हैं. और ये जो राइट्स इशूज हैं दीज कैन बी इशूड एट प्रीमियम बट नॉट मोर देन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स. जो मार्केट में जो रेट होता है स्टॉक मार्केट में जिस पे शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं उससे ज़्यादा पे कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती. इवन पार वैल्यू से ज़्यादा पे इशू कर सकती है एट प्रीमियम बट मार्केट वैल्यू या मार्केट वैल्यू से ज़्यादा अगर कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो इन्वेस्टर्स कभी भी कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे. तो इसकी एंट्री बहुत सिंपल है. जैसे हमने पहले बी पार्ट में देखा कि जी बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि यहाँ पे कंपनी अमाउंट ले रही है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट. नाउ टाइप्स ऑफ रिजर्व्स. रिजर्व्स की डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं कि रिजर्व्स बेसिकली हैं क्या. तो रिटेन प्रॉफिट्स और रिटेन अर्निंग्स. तो कंपनी रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर पेइंग डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स. कि जो एनुअल प्रॉफिट में से कंपनी ने डिविडेंड एट्सेट्रा देना हो तो जो पैसे बच जाएं वो कंपनी अपने पास होल्ड कर लेती है या कंपनी अपने पास रिटेन कर लेती है. उसके बाद यानी जनरल रिजर्व्स. जनरल रिजर्व्स क्या होते हैं कि हर साल के प्रॉफिट में से कंपनी कुछ पैसे जमा करती जाती है कंबाइन करती जाती है फॉर एनी फ्यूचर स्पेसिफिक पर्पस. स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो कंपनी पैसा इकट्ठा करेगी फॉर एग्जाम्पल टू इन्वेस्ट इन एनी प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ मेजर एसेट फॉर एग्जाम्पल. तो ये होते हैं जनरल रिजर्व्स. देन शेयर प्रीमियम. ये एक रिजर्व है और ये कैपिटल रिजर्व है. तो पहले दोनों हमने देखे देवर रेवेन्यू रिजर्व्स. शेयर प्रीमियम एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व्स आर कैपिटल रिजर्व्स. शेयर प्रीमियम कब अराइज होता है ये हमने पहले भी इशू ऑफ शेयर्स में समझा कि जब कंपनी पार वैल्यू से ज़्यादा पे शेयर इशू करती है तो शेयर प्रीमियम नाम का एक रिजर्व अराइज होता है. उसकी एंट्री हमने पहले भी देखी है. देन रिवैल्यूएशन रिजर्व्स. रिवैल्यूएशन रिजर्व्स आर रिवैल्यूएशन सरप्लस. सो इट इज रेज्ड व्हेन एनी नॉन करंट एसेट वैल्यू इज इंक्रीज्ड. कि जब किसी नॉन करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो डबल एंट्री क्या होती है नॉन करंट एसेट अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन रिजर्व्स या रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट क्रेडिट.
देन वी विल सी के फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनी कंपनी, के कंपनी बिजनेस में कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स बनते हैं. सो इनकम स्टेटमेंट बनती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड नोट्स टू फाइनल अकाउंट्स. इनमें से जो फर्स्ट थ्री हैं इनसे तो आप थोड़ा बहुत फेमिलियर हैं कि जी इनकम स्टेटमेंट वेयर वी कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वेयर वी हाईलाइट ऑल द reasons, all the transactions where equity was changed. Equity means share capital plus reserves. इस पर हम थोड़ी देर में बात करते हैं, इसका format भी देखेंगे. Then statement of financial position where we equalize total assets must be equal to share capital plus reserves plus plus all the liabilities. Statement of cash flows आपके लिए एक नया document होगा कि that document where we highlights cash inflows and cash outflows. ये अलग से भी topic है. यहाँ पे just list complete की गई कि जी final accounts कौन कौन से बनने हैं for any company. तो statement of cash flows हमारा अलग से topic भी है. IAS 7 इसके ऊपर apply होता है. According to IAS 7 we will learn how to prepare statement of cash flows. Then notes to final accounts या notes to financial statements. ये क्या होता है कि when we prepare all the financial statements, if we want to give some extra details, extra disclosures, we will quote, we will mention those extra details under the heading of notes to financial statements. तो इस पे भी वक्तन फक्तन बात होती रहेगी कि notes to financial statements कैसे बनते हैं. So here is the format of income statement. बहुत simple है, already आपने देखा हुआ है. सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम डिफरेंट एक्सपेंसेस को प्रॉपर हेडिंग्स में पुट करते हैं, जैसे एडमिन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारे एक्सपेंसेस अगर हम माइनस कर दें तो जो प्रॉफिट बनेगा दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ये जो प्रॉफिट आ रहा है इसके तीन नाम हम देखते हैं सिनेरियोस में या क्वेश्चंस में बुक्स में. इट्स नेम्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. कि इस प्रॉफिट में से अभी इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस लेस करना बाकी है. इसके फौरन बाद हम इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करते हैं. इंटरेस्ट एक्सपेंस को फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं, फाइनेंस चार्जेस भी कहते हैं. सो लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो इफ देयर इज प्रॉफिट, टैक्स की परसेंटेज हमें गिवन होगी, तो वो टैक्स कैलकुलेट करके हमने लेस करवाना है. द फाइनल प्रॉफिट विल बी प्रॉफिट फॉर द ईयर. और यहाँ पे जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं, एडमिन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इन दोनों को अगर एक नाम देना चाहें तो दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. या अगर हमसे पूछा जाए जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं, तो दे आर एडमिन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. इन दोनों को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं. उसके बाद है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. तो ये इसका फॉर्मेट थोड़ी देर में जब हम क्वेश्चंस में चलते हैं तो मैं इसका फॉर्मेट आपको समझाऊंगा. कीप इन माइंड के इक्विटी मीन्स शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व. शेयर कैपिटल कितनी तरह के हैं, दो तरह के, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. और देर आर फोर टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, दैट इज शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स एंड रिटेन प्रॉफिट्स. इसका फॉर्मेट हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फॉर्मेट इसका कैसे बनेगा. देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे हमने क्या करना है, टोटल एसेट्स will be equal to share capital plus reserves plus all the liabilities. तो यहाँ पे total assets पहले हम highlight कर लेंगे and then equity लिख लें या share capital and reserves लिख लें. तो both types of share capital, then all the reserves. तो ये list total हो जाएगी, then both types of liabilities. And in this way, we will prove कि the total assets are equal to share capital plus reserves plus all the liabilities. So
क्वेश्चंस में चलते हैं। न्यू शॉट स्टूडेंट्स, हेयर इज लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 को देखना। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, पेज 9। हेयर इज एस्टन पीएलसी क्वेश्चन का नाम है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे होंगे और साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड इनकम स्टेटमेंट एटसेट्रा, उसका फॉर्मेट भी डिस्कस कर रहे होंगे, इनकम स्टेटमेंट भी बना रहे होंगे। सो जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि वी आर गिवन अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग्स एंड लैंड। उसके बाद 3 लाइंस हैं एंड द रिक्वायरमेंट इज इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करें, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करें फॉर 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स के लिए जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, आप अगर देखें तो हमें उस सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स एसच उसकी वैल्यूज नहीं गिवन है, ना ही एक्सपेंसेस की वैल्यूज गिवन है। वी आर गिवन हेयर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। रिक्वायरमेंट से ऊपर जो सेकेंड लास्ट लाइन है उसमें देखें, वी आर गिवन प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस थोड़ी देर पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि दिस प्रॉफिट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि ये वो प्रॉफिट है जिसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस अभी हमने लेस करना होता है। तो वो प्रॉफिट हमें कैलकुलेटेड गिवन है। इफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड इज गिवन, सो इट मीन्स के प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद की जो फर्दर एडजस्टमेंट हैं सिर्फ हमने वो करनी है। तो क्या है प्रॉफिट की वैल्यू, सबसे पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद जब हमने इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो अगर आप देखें तो जब लिस्ट कंप्लीट होती है वैल्यूज की क्वेश्चन के स्टार्ट पे, उसके बाद लिखा हुआ है कि जी 1 जुलाई 2013 को हमने 18 लाख का लोन लिया, मतलब 18 लाख के डिबेंचर्स इशू किए टू द पब्लिक एंड इंटरेस्ट रेट इज 8%। 8% मीन्स 8% इंटरेस्ट विल बी पेड। यहाँ पे हम इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, फॉर दैट पर्पज सी द टाइम पीरियड, सी केयरफुली, द लोन इज टेकन ऑन 1 जुलाई 2013 and see the year end. Year end hai 31st May 2014. It means the year was started on 1st June 2013. The year started at 1st June 2013 and the loan was taken at 1st July 2013. It means ke 1 month has been passed. So 11 months ka interest yahan pe humne calculate karna hai. To hoga kaise? 18 lakh multiplied by 8% multiplied by 11 over 12. तो जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आएगी उसको हम ये प्रॉफिट में से लेस कर देंगे और जो प्रॉफिट की अमाउंट बचेगी उसमें से हम जो 25% लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन का, और वो टैक्स लेस करके फाइनल प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट बन जाएगा। इसको एक दफा जरा मार्किंग स्कीम में देख लें। दैट इज हियर। अब देख लें ये छोटी सी वर्किंग है। सबसे पहले प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा, देन फाइनेंस कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की गई वो मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे भी नीचे किया गया। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया और जो वैल्यू आएगी 3620000 की, उसका हम 25% लेंगे और वो आ जाएगा 905,000 एंड द फाइनल प्रॉफिट विल बी 2715,000। देन इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद वी हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स। और बी रिक्वायरमेंट क्या है? बी रिक्वायरमेंट है
कि जी आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट मैं अभी आपको एक्सप्लेन कराऊंगी, और हो सकता है कि आज हम इसको डिस्कस ना कर सकें, कल इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ज़रा कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हमने क्या करना है कि ये फॉर्मेट इस तरह से बनेगा कि टॉप पे हमने बोथ शेयर कैपिटल एंड देन रिजर्व्स की नाम लिख लेने होते हैं, स्टार्ट पे हमने उसके ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेने हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग लिस्ट, एंड इस टेबल में थ्रू आउट द टेबल हमने देखना है कि कब कब शेयर इशू हुए, कोई नॉन फंड एसेट की रिवैल्यूएशन हो गई, डिविडेंड पे हुआ, या जनरल रिजर्व्स में कोई वैल्यू ट्रांसफर हुई, एंड द फाइनल प्रॉफिट, तो वो रेलिवेंट कॉलम्स में हमने उनको प्लस माइनस करते जाना। अगर आप इसको कर सकें दैट विल बी गुड, नहीं तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम यहाँ से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। सो गुड लक, अल्लाह हाफिज़।